वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविजिबल के यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्शन भी है जो आपको नए प्रोस्पेक्ट के थ्रू आ सकता है, और ये एक टीम का सवाल भी है, राइट? इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में भी रख सकते हैं, इस कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है, और मैं मतलब जान के आपको ताज्जुब होगा कि लगभग किसी को भी इसका आंसर नहीं पता है, और क्योंकि उसके पीछे एक जो सही लॉजिक है वो लॉजिक कोई नहीं दे पाता। और उसका रीजन क्या है कि उसका सही लॉजिक पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक कंपनी और कंपनी किस तरीके से डील करती हैं, तब आप ये सब चीजों का आंसर दे सकते हैं, राइट? तो मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक टी शर्ट ब्रांड है, और उस टी शर्ट ब्रांड में अभी हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी का जो है ऑप्शन रखा हुआ था। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी होता क्या है, दूसरी चीज है कि कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल एटमी में क्यों नहीं है, और एटमी या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है कैश ऑन डिलीवरी के मॉडल पर काम नहीं कर सकती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ई कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में पेमेंट मेथड के तौर पे, अगर हमारे पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये जो पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, इनके साथ में एक पेमेंट ऑप्शन और होता है, उसे बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। मतलब आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और वो प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद में जब आपको डिलीवर होगा, उस टाइम पे आप कुरियर कंपनी वाला जो डिलीवरी बॉय आता है उसे आप पैसे दे देते हैं, और वो प्रोडक्ट जो है वो रिसीव कर लेते हैं, राइट? इसी तरीके से अमेजोन भी काम करता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन किसी भी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चांस नहीं देता है, राइट? लेकिन एटमी हमें जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चांस भी देता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने का चांस देता है, तो एटमी में सारे प्रोडक्ट का जो बिजनेस कैलकुलेट होता है, जिसका मार्जिन हमें मिलता है, वो सारा पीवी के तौर पर होता है ना, जो पॉइंट वैल्यू मिलते हैं। तो ये पीवी हमें कब मिल पाते हैं? जब कंपनी के पास में पैसा पहुंचता है। अब आप समझिए कि कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल जो होता है, आपको कैश ऑन डिलीवरी के मॉडल में जनरली ये चीज होती है कि कोरियर कंपनी जब कंपनी को पैसा देती है, कस्टमर से कोरियर कंपनी पैसा उठाती है, वो कंपनी उठाती नहीं है, राइट? तो कोरियर कंपनी ने पैसा उठाया, तो कैश ऑन डिलीवरी का एक बिजनेस साइकिल 7 दिन से 15 दिन का होता है। इसका मतलब अगर कस्टमर से एक पैसा ले लिया कोरियर कंपनी ने, तो वो कंपनी के पास तक पहुंचने में 7 से 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हर दिन का जो भी टोटल रोटेशन होता है, वो रोटेशन के आधार पे 7 दिन से 15 दिन में एक साथ जितना भी बल्क अमाउंट बन जाता है कोरियर कंपनी के पास में उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स कंपनी का, तो वो इकट्ठा जो है उनको ट्रांसफर कर देती है। इस तरीके से काम करता है ये बिजनेस मॉडल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाली है? अगर ये मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया गया इंडिया में या कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर दिया गया, तो दिक्कत ये होगा कि आपका डेली मैचिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी को पैसा नहीं पहुंचेगा, तब तक कंपनी पीवी जनरेट नहीं कर पाएगी, और पीवी जनरेट नहीं करेगी तो आप डेली मैचिंग नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन ये छोटी सी चीज कोइंसिडेंटली ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा जानकारी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में डेफिनेटली होना चाहिए। अब अगर कंपनी ने ये मॉडल लॉन्च कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि कस्टमर्स के पास में मान के चलिए 3 से 7 दिन के अंदर में प्रोडक्ट पहुंचा, उसके बाद में कोरियर डिलीवरी बॉय को कस्टमर ने पैसा दिया, उसके बाद में वो पैसा जो है वो कोरियर कंपनी के पास में गया, फिर कोरियर कंपनी ने अपना एक बिजनेस साइकिल जो है कंपनी के साथ में जो भी एसोसिएट किया हुआ है उसका बिजनेस साइकिल बताया, मान लीजिए 7 से 15 दिन के आसपास में बिजनेस साइकिल जा रहा है, तो वो 7 से 15 दिन कंपनी कोरियर कंपनी के पास में पैसा होल्ड रहता है, और वो पैसा जो है इनको ट्रांसफर किया जाता है। ये होता है कैश ऑन डिलीवरी मेथड में। प्री पेमेंट में ऐसा होता है कि पहले ही कंपनी को पैसा दे दिया जाता है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट जो है वो आपको डिलीवरी के लिए निकाल दिए जाते हैं, ठीक है? अब इसके कारण से पूरा जो बिजनेस साइकिल है, जो हमारा डेली मैचिंग है ना, वो डेली मैचिंग नहीं रह पाएगा, वो वीकली मैचिंग या 15 दिन के मैचिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ना हम लोग डेली पीवीज जो है वो एक्युमुलेट कर पाएंगे, राइट? तो कुल मिला के ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी में, और स्पेशली इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी के मॉडल पे डायरेक्ट सेलिंग काम किया ही नहीं जा सकता है, राइट? तो आई होप ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये शायद आपके लिए यूजफुल रही होगी, क्योंकि इसके लिए आपको ऑब्जेक्शंस भी मार्केट में आएंगे, आपकी टीम भी इसके बारे में सवाल पूछ सकती है, तो उसका जो लॉजिकल आंसर है ये है वो लॉजिकल आंसर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टीम पे सर्कुलेट कीजिए, ताकि क्लियर उन्हें आंसर समझ में आ सके, और क्लियर समझ में आ सके कि क्यों कैश ऑन डिलीवरी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, राइट?
तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप और अगले कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या वीडियो देखना है, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो क्रिएट कर सकूं और मैं लाइन से जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सारे टॉपिक्स मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको मार्केट में, फील्ड में, कहीं पे भी जाके इन सारी चीजों को समझाने में दिक्कत ना हो। और अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो आप ये वीडियो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, तो भी उन्हें जो है अच्छे से आंसर इस चीज का मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं जल्द ही कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।